अभी सरकार ई श्रम कार्ड बनवा रही है। आखिर हमें भी ये ई श्रम कार्ड बनवाना चाहिए और क्यों बनवाना चाहिए ये भी हमें पता होना चाहिए। ई श्रम कार्ड आप अपने मोबाइल से ही बना सकते हो, घर बैठे, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ई श्रम कार्ड आखिर क्यों बन रहा है वो भी आपको बता देते हैं। जैसे कि हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस होता है, आधार कार्ड होता है, तो ड्राइविंग लाइसेंस बताता है कि हम गाड़ी वगैरह या फोर व्हीलर वगैरह चला लेते हैं। इसी तरीके से सेम ई श्रम कार्ड बनाया जा रहा है, जहाँ पर हमारे काम का ब्यौरा भी सेव होगा एक कार्ड में, कि हम क्या काम करते हैं, कहां तक पढ़े लिखे हुए हैं, हमें सही काम मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है कि हाँ। उसके साथ ही आपकी बैंक पासबुक भी लिंक की जाएगी, जो कि आपको अगर कोई सरकार द्वारा कोई योजना आती है तो वो सीधे आपके खाते तक पहुंचाई जा सके और आप इसको अपने घर बैठे मोबाइल से बना सकते हो। तो चलिए आपको बताते हैं कैसे हमें ये सब बनाना है, लेकिन उसके लिए आपके पास कुछ चीज़ें होना ज़रूरी है। जैसे कि आपका जो आधार कार्ड है उससे जो मोबाइल नंबर लिंक है वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपने जहाँ तक पढ़ाई की है उसका सर्टिफिकेट लास्ट का होना चाहिए। अगर आपके पास निवास या जाति प्रमाण पत्र है तो उसकी भी एक फ़ोटो खींच लेनी है, और अगर आपके पास आय प्रमाण पत्र है तो उसकी भी फोटो खींच के आपको अपने मोबाइल में सेव कर लेनी है। अब आपको कैसे बनाना है चलिए आपको वो बताते हैं। तो यहाँ पर आपको ऊपर गूगल में ई श्रम कार्ड सर्च कर लेना है, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जैसे ही लिंक पर क्लिक करोगे आप यहाँ पर आ जाओगे। अब देखिए आपको जैसे जैसे मैं भरता जाऊँ वैसे वैसे आपको करते जाना है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले भरने के लिए आएगा, आपको यहाँ पर एक मोबाइल नंबर डालना होगा जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक है, और एक कैप्चर कोड डालना होगा, और नीचे यहाँ पर सबमिट ओटीपी पर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगी जो कि आपको यहाँ पर डाल के सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है और इस आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। आपको फिर एक ओटीपी आएगा जो कि ओटीपी आपको यहां पर डाल देना है, और जो वैलिडेट वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब आपको यहां पर एक आपकी इन्फॉर्मेशन दिखाई जाएगी, उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपको एक यहां पर फॉर्म दिया जाएगा जो कि आपको इस तरीके से भरना है। ऊपर आपको मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और यहां पर आप मैरिट हैं या अनमैरिट, आपको फादर्स नेम, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको भर देनी है। यहाँ पर आपसे अलग कुछ नहीं मांगा जाएगा, आपकी ही सारी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी। जैसे यहाँ पर आपको कैटेगरी चूज कर लेनी है, ओबीसी, एससी, एसटी आप क्या हैं। उसके बाद नीचे आपको फाइल सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है, जहाँ पर आपको अपना जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको नीचे ब्लड ग्रुप वगैरह सेलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी ब्लड ग्रुप है, ए बी जो भी है, आपको वो यहाँ से सेलेक्ट करना है। ये आपकी ही इन्फॉर्मेशन है। उसके बाद आपको यहाँ पर नो पर क्लिक कर जो है कर देना है। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर अपना नाम वगैरह जो है नॉमिनेट, अगर आप किसी को नहीं रखना चाहते हैं तो वो भी आप यहां पर डाल सकते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आपको ये सेव वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे यहां पर आपको होम जो है कि आपका एड्रेस डालना पड़ेगा, तो आपका एड्रेस मतलब कहां का है आपको वो डालना है। यहां पर आपको जिला वगैरह, पिन कोड वगैरह, अपना जो है एड्रेस सारा यहां पर आपको सेव कर देना है। और आप यहां पर कहां कब से रह रहे हो, यानी कि आप यहां पर 25 साल से ज्यादा के रह रहे हो तो आप यहां पर वो चीज भी लिख सकते हो। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप यहां पर क्लिक करोगे यहां पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन यहां पर फिर दिखाई देगी, जहां पर आपकी एजुकेशन कहां तक है वो आपको दिखाई देगी। आपकी यहां पर सारी चीज़ें दी हुई हैं जहां तक आपने पढ़ाई की हुई है, तो आप वो यहां पर क्लिक कर सकते हो। अगर आपने नहीं की है तो आप वो भी यहां पर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको उसका मार्कशीट का यहां पर फोटो अपलोड करना होगा, और फोटो अपलोड करने के बाद नीचे आप जो है कितना कमा लेते हो आपको वो भी यहां पर चूज करने के लिए आ जाएगा। और आपको यहां पर जो है अपनी आय प्रमाण पत्र भी अपलोड कर पाओगे, यहां पर आय प्रमाण पत्र पर क्लिक करोगे तो आप आय प्रमाण पत्र भी लगा सकोगे। उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। अगला जो कैटेगरी है वो आता है आपको काम को लेकर के, आप किस कैटेगरी का काम करते हो, तो यहां पर इस आई वाले बटन पर आप क्लिक करोगे तो यहां पर देखिए बहुत सारा काम दिया हुआ है पूरा, यानी कि जितना हमारे भारत में जो भी काम चलते हैं खेती बाड़ी से लेकर के सारे काम वो यहां पर दिए हुए हैं। आप वही जो भी आपका काम है वही कोड आप यहां से देख लीजिएगा और वहां पर उस कोड को डाल दीजिएगा, तो आप जो भी काम करते हो वो आपकी इन्फॉर्मेशन यहां पर सबमिट हो जाएगी। देखिए जैसे यहां पर ऑटो सेलेक्ट में यहां पर मैं कोड नंबर डाल देता हूं, यहां पर मैं एग्रीकल्चर डाल देता हूं, यानी कि मैं खेती बाड़ी करता हूं, तो मैं खेती बाड़ी सेलेक्ट कर लूंगा, खेती बाड़ी भी डाल सकता हूं। और उसके बाद अगर आप फार्मिंग भी, जो भी आपका काम है आप वो यहां पर डाल सकते हैं। और ये सारी चीज़ डाल देने के बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना होगा। लेकिन उससे पहले अगर आपके पास
पास बैंक अकाउंट आपका आधार कार्ड से लिंक है तो ठीक है, नहीं है तो आप यस पर क्लिक करेंगे और आप यहां पर अपना दूसरा बैंक अकाउंट लिंक कर पाएंगे, जहां पर आपको बैंक अकाउंट नंबर डाल देना होगा, नाम डाल देना होगा, बैंक कहां पर है वो डालना होगा, IFSC कोड, ये मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आपको डाल देनी है और उसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर आपको सारी आपकी इन्फॉर्मेशन दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर आई अंडरस्टैंड पर आपको क्लिक करना होगा और इस पर आपको क्लिक करने के बाद आपका जो है सबमिटेड हो जाएगा। नीचे आपको सबमिटेड वाले बटन पर आपको क्लिक करना होगा। देखिए यहाँ पर सबमिटेड वाले बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका ई श्रम कार्ड बनके तैयार हो जाता है। डाउनलोड जो है UAN पर आप क्लिक करोगे तो आपका जो कार्ड है वो डाउनलोड होकर के आ जाता है। जैसे ये मेरा कार्ड है, देखिए यहाँ पर मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है और मेरा कार्ड ये बनके आ चुका है और आप इसको अपनी गैलरी में सेव करके रखिएगा। देख सकते हैं ये मेरा कार्ड है जो कि सेव हो चुका है।